हेलो दोस्तों, वॉशिंग सेंटर गाइडलाइन में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पिट स्टॉप, जो कि सिलीगुड़ी ईस्ट में सिचुएटेड है। दोस्तों, हम यहाँ पे आए हुए हैं, आपको पूरा सेंटर आज विज़िट करवाएंगे। पिट स्टॉप सिलीगुड़ी की वन ऑफ द बेस्ट कार वॉश सेंटर है, जहाँ पे वॉशिंग के अलावा डिटेलिंग के भी काम की जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, पिट स्टॉप बेसिकली ज़्यादातर प्रीमियर कार्स को टारगेट करती है, अपने अच्छे क्वालिटी के लिए जानी मानी वर्कशॉप है। आइए देखते हैं। हमने यहाँ दो तरह के कार वॉशर को देखा, जो एक मैन मशीन का HRC प्रो जो आप देख पा रहे हैं, इनके पास फोम टैंक भी है। रैंप कुछ कंक्रीट का बना हुआ है जो कि 2.5 फीट लंबा था। पानी का टैंकी ऊपर बना है जिससे कि प्रेशर बराबर मिले मशीन को। इनका जो मेन मोटिव है वो मास वॉल्यूम कार वॉशिंग है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, कार्चर प्रेशर वॉशर HDS 10x20, जिसमें कि स्टीमर भी आप चला सकते हैं। गन देख सकते हैं कितना हैवी है। इनके पास बेसिकली डिटेलिंग का वर्क होता है, आप देख सकते हैं। डिटेलिंग के लिए ये जाने माने जो सेंटर हैं सिलीगुड़ी के, मैंजेना, जिसका कि फ्रेंचाइजी लिया है इन्होंने। और इनके पास जो वैक्यूम क्लीनर है वो कार्चर का है, हैवी ड्यूटी डबल मोटर। और एक मैन मशीन का भी वैक्यूम क्लीनर है, ये भी डबल मोटर है, हैवी ड्यूटी। सक्शन कैपेसिटी हमने चेक किया जो कि काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं वर्कशॉप का साइज़, इन्होंने अपना बिजनेस ऑटो पायलट मोड में डाला हुआ है दोस्तों, जो कि काफ़ी कार वॉशर ऑनर, जैसा कि मैंने बताया, इनके पास ज़्यादातर प्रीमियर कार्स आते हैं। तो आप देख सकते हैं, अभी ये जो कार वॉश कर रहे हैं ये मर्सिडीज कंपनी की है। ये इनका जो साइड वर्कशॉप है, इसमें जो कार्ड्स एक्स्ट्रा जो कि सेकेंड डेज जाती है रेडियो के, तो उनको रखा जाता है। इनके पास ऑलमोस्ट 8 to 10 वॉशिंग का स्टाफ प्लस डिटेलिंग के और भी हैं। आप कार वॉशर का प्रेशर देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप समझ सकते हैं कि पर डे अगर 30 to 35 कार्स हमें करना है, तो किस तरह का प्रेशर होना चाहिए, किस तरह का फोम टैंक होना चाहिए। फोम टैंक कुछ इस तरह का है, फोम टैंक का गन जी। आइए देखते हैं। इनका जो सेटअप है बहुत मज़ेदार है दोस्तों। देखिए, ये एक एक्स्ट्रा मशीन भी रखे हैं जो कि रैंप के पास है, ये भी मैन मशीन का HRC प्रो है। मैन मशीन बेसिकली मैं प्रमोट तो नहीं करूँगा, बट इतना ज़रूर कहूँगा, इसकी सर्विस काफ़ी अच्छी है। जब हमने यहाँ पे विज़िट किया तो पता चला कि जो मेन ऑनर है वो एब्रॉड गए हुए हैं, और उनके स्टाफ्स वगैरह थे, संडे का दिन था तो मैक्सिमम स्टाफ छुट्टी पे ही थे। लेकिन फिर भी जो भी जानकारी इकट्ठा हो पाई है, हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे दोस्तों। दोस्तों, आप लोगों का अगर साथ और विश्वास ऐसे ही रहा, तो हम आगे चल के और भी ऐसे काफ़ी अच्छे कार वॉश सेंटर पे वीडियो बनाएंगे। तो चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों।